नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। विधानसभा में कोरोना की गूंज, विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव स्वीकार, धान और मक्का बीज खरीदी का मुद्दा उठा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चार दिवसीय मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों की कोरोना जांच की व्यवस्था करने की जानकारी दी, जिसके बाद सदन में सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सदन में सवाल पूछकर सत्ता पक्ष से जवाब मांगा। ध्यानाकर्षण में धान और मक्का बीज खरीदी का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि ऑर्डर देने के बावजूद बीज की सप्लाई समय पर नहीं हुई, बीजों की गुणवत्ता की जाँच भी नहीं हुई। इस पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा, खराब बीज देने वाले कंपनियों पर होगी कार्यवाही, इन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। सूदखोरों से तंग आकर राज्यपाल से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। राजधानी से सटे बसना गांव का एक किसान सूदखोरों से इतना परेशान हो गया है कि उसने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की गुहार लगा दी। पीड़ित किसान का कहना है कि उसने खेती के लिए 3 अलग अलग लोगों से ब्याज पर कर्ज लिया था, जिसका करीब 10 गुना ज्यादा वापस कर चुका है। उसके बाद भी सूदखोर उसे परेशान कर रहे हैं। किसान ने आरोप लगाया है कि एक आरोपी ने उसका ट्रैक्टर बेच दिया है, दूसरे ने फर्जी दस्तावेज के जरिए चेक बाउंस के केस में फंसा दिया है, जिससे वह काफी परेशान है। किसान की दी गई जानकारी के मुताबिक बसना थाने से लेकर जगह जगह गुहार लगाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला, इसलिए अब किसान बेदलाल साहू ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग की है। खून से लाल हुआ राजधानी का टाटीबंध चौक, ट्रक ने बाइक सवार युवकों को कुचला। राजधानी का टाटीबंध चौक फिर खून से लाल हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से घायल एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक दूर जा गिरा, उसे भी चोटें आई हैं। बीजेपी नेता नंद कुमार साय हुए कोरोना संक्रमित, भाजपा नेता नंद कुमार साय भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। साय ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी है। नंद कुमार साय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। डॉक्टर से मारपीट के विरोध में आज निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद, पूरे जिले में हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। कोरबा जिले के निजी चिकित्सालय नवजीवन नर्सिंग होम में पिछले दिनों डॉक्टर और सहकर्मी के साथ मारपीट की शिकायत के बाद अब भारतीय चिकित्सा संघ के कोरबा इकाई ने भी आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की घटना से शहर के डॉक्टर्स काफी नाराज हैं। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आज से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों नवजीवन नर्सिंग होम में उपचार के लिए आई गर्भवती महिला के गर्भ में शिशु की मौत के बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और दूसरे स्टाफ के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। डॉक्टरों की माने तो मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्यवाही नहीं की, जिसके विरोध में डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि हड़ताल के दौरान आपातकाल और आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं को हड़ताल से अलग रखा गया है। वहीं जिले भर के निजी चिकित्सालयों में आज ओपीडी की सुविधा बंद रहेगी। चार घंटे में आए 67,000 नए मामले, 1,059 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 32 लाख के पार जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 67,151 नए मरीज सामने आए हैं और 1,059 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी की बैठक, नीट, जेईई और जीएसटी पर चर्चा। कांग्रेस में वर्किंग कमेटी के हाई लेवल ड्रामे के बाद अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद को फोन कर मनाने की कोशिश की है, वहीं अब सोनिया गांधी अध्यक्ष के तौर पर काम में भी जुट गई है। इसी कड़ी में आज सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर राज्यों के बकाया जीएसटी और नीट जेईई एग्जाम पर एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया है। सुशांत की बहन के सीबीआई से गुहार, कहा ड्रग्स से संबंधित रिया की चैट पर तुरंत कार्रवाई करें। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ड्रग्स से संबंधित अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की चैट को आपराधिक करार देते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है।
श्वेता ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा, यह एक आपराधिक मामला है, इस पर सीबीआई को तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करनी चाहिए। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।